ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यम ध्याय रूपी योगि कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम होमणि मंगलम तुंगतारियो जैनधर्मोश मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्व धर्माणम जैनम जयतु शासनम नवाशमेशाराय स्वानुभूति अचकाशते चिस्वभावाय भावाय स्वभावान् तदच्छते एगो मे शाश्वतोपाधान दर्शन अर्पण शेषा मे भाईरा भवा सर्वेश ओम श्री नमः शिवाय प्रवचन सहजी ग्रंथ के ऊपर 172वीं गाथा उसमें जो अलिंग ग्रहण के 20 बोल है उसके ऊपर अपनी चर्चा शुरू हुई है। अलिंग ग्रहण का बोल जो है उसमें कौन सा ऐसा अपने पास लक्षण है कि जिससे अपने आत्मा की प्राप्ति हो जाए और कैसे कैसे बाह्य लिंग है कि जो आत्मा की प्राप्ति नहीं करा सकता उसका विषय यहाँ चल रहा है। ये अलिंग ग्रहण माने कि लिंग ग्रहण माने अपना भगवान आत्मा की जिसको कोई लिंग ही नहीं होता उसको अलिंग ग्रहण कहा जाता है। और वो अलिंग ग्रहण को प्राप्त करने के लिए उसके पास ऐसी ही कोई वस्तु ऐसा ही कोई वो लक्ष्य का लक्षण होना चाहिए कि जो लक्षण से वो लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। उसके जैसा जो लक्षण नहीं है उससे उसकी प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ जो पहला और दूसरा बोल आया है यहाँ पे पहला और दूसरा बोल में जो चर्चा चली है ग्राहक और ग्राह्य। ग्राहक माने कि जानने वाला और ग्राह्य माने कि जलाने वाला। तो ग्राहक का मतलब ये होता है कि कौन से पदार्थ से जाना जाए कैसे जाना जाए। ज्ञायक ग्राहक माने कि ज्ञायक। तो ज्ञायक का जानने का माने कि स्वभाव कैसा है वो कैसे जानता है किसी के अवलंबन से जानता है कि वो अपने से स्वयं जानता है। और दूसरा बोल जो है ग्राह्य वाला उसमें आत्मा को जानने के लिए कौन सा लक्षण है कौन सा पदार्थ है कि जिससे आत्मा जानने में आ जाए माने कि आत्मा कैसे जाने और आत्मा को कैसे जाने। ये दो बात है। पहला बोल में ये बात है कि आत्मा कैसे जानता है। दूसरा बोल में ये बात है कि आत्मा कैसे जानने में आता है। दो बात पहला दो बोल है। तो इसमें ऐसा कहा गया है अलिंग ग्रहण के पहले दो बोल में कि आत्मा कोई इंद्रियों के द्वारा कोई पदार्थ को जानता नहीं है माने कि इंद्रिया का सहारा से आत्मा कभी जानता नहीं है। कोई भी स्व या और किसी को भी जानना हो तो आत्मा स्वयं अपने से ही जानता है उसको कोई निमित्त की सापेक्षता लागू पड़ती नहीं है क्योंकि आत्मा है वो पराधीन नहीं है वो स्वाधीन है। वो स्वाधीन को किसी की अपेक्षा लागू नहीं पड़ती कि ऐसी इंद्रियां होवे तो मैं जानूं ऐसा मन का संग होवे तो मैं जानूं ऐसी कोई सापेक्षता कोई अपेक्षा आत्मा को लागू नहीं पड़ती क्योंकि आत्मा निरपेक्ष है। और जो आत्मा का लक्षण है जो चेतना लक्षण बोला वो कार्य तो चेतना में होता है कार्य तो कोई ज्ञायक में नहीं होता क्योंकि ज्ञायक तो ऐसे स्थिर जीव है अपरिणामी जीव है वो कुछ जानना देखना माने कि कार्य नहीं करता।
जानना स्वभाव है उसका, मगर कार्य तो उसका जो परिणमन होता है उसमें होता है। तो वो परिणमन रूप जो लक्षण है, वो परिणमन रूप लक्षण भी कोई निमित्त का संग करके नहीं जानता है। इसमें क्या सिद्ध करना है कि किसी का संग करके ज्ञान लक्षण भी कोई पर पदार्थ को की स्व को नहीं जानता है, वो अपने में अपने से जानने की शक्ति के कारण जानता है। वो माने कि ऐसी इंद्रियों की सापेक्षता से पर को जानने के लिए गया, और माने कि अपने को जानने के लिए भी ऐसा कोई परिणमन हो तो ही अपन जानने में आवे, ऐसी कोई सापेक्षता माने कि ज्ञान का परिणमन को भी लगती नहीं है। तो ये पहला और दूसरा बोल की चर्चा है, वो अपन ने सब थोड़ी ली थी, मगर इस पे जो गुरुदेव की जो बात है उसको भी थोड़ा अपन अभी पढ़ते हैं। सवेरे तो अपन ने लिया था ऐसे ही ऊपर से। देखो इसमें गुरुदेव ने जो जो खुलासा किया है, ये प्रवचन सुधा का अपन ने प्रवचन सवेरे 173 नंबर वाला यहाँ चलाया था, उसमें जो जो बिंदु आए हैं उसको थोड़ा अपन देख लेते हैं। क्योंकि सवेरे एक बात भी चली थी कि भाई एक तो माने कि लक्ष्य करके जानना होता है, और एक पर की सापेक्षता जो ज्ञान में लगती है वो क्या है। एक तो लक्ष्य करके जानना वो एक बात है, और समझ लो कि उनकी इच्छा नहीं है कोई पदार्थ को जानने की, मगर तो भी सापेक्षता लग जाती है, तो वो भी एक पर की सापेक्षता वाला ज्ञान है। वो ज्ञान में भी आत्मा जानने में नहीं आता, ऐसा गुरुदेव ने यहां स्पष्ट किया था सवेरे। ने वो बात ली थी, मगर अभी पढ़ के आपको बताता हूँ। तो कोई कोई पूछ रहे थे कि भाई ये क्या है, तो गुरुदेव के शब्द में ही अपन देख ले तो थोड़ा उसमें ज्यादा अपने को पता चल जाएगा। देखो ये पेज नंबर है 22 नंबर का पेज है भैया, प्रवचन सुधा में सातवा भाग में 22 नंबर का पेज है। देखो उसमें मुमुक्षु ने प्रश्न किया है, वो तो समझ में नहीं आया इसलिए लिखा नहीं है, अगर मुझे गुरुदेव श्री का उत्तर है उसमें वो भी अपने को पढ़ना है, और मूल में नीचे की बात है वो भी अपने पढ़ते हैं। पर को जानते हैं ये पर को नहीं जानता, पर संबंधी की अपनी ज्ञान की पर्याय को जानता है। इंद्रिया तो निमित्त है, सिद्धांत में तो ऐसे कहा है कि छह काय के जीव है, छह काय के जीव नहीं, जीव तो ज्ञान स्वरूप है वो जीव है, ऐसा पंचास्ती काय में कहा है। छह काय जीव, छह का शरीर का जीव ऐसा नहीं है, ये तो भगवान ज्ञान स्वरूप की चीज है। देखो यहाँ क्या कहते हैं कि जानना होता है वो सब ज्ञान में ही होता है, और ज्ञान का ही जानना होता है, चाहे स्व को जाने चाहे पर को जाने। देखो इसमें लिखा है पर को जानते हैं वो पर को नहीं जानता, पर संबंधी की अपनी ज्ञान की पर्याय को जानता है। तो इसमें क्या कहना चाहते हैं कि ज्ञान की अपनी पर्याय में पर संबंधी की ज्ञान की पर्याय है। अभी पर संबंधी की जो ज्ञान की पर्याय है वो पर के संबंध वाली जो ज्ञान की पर्याय है, तो पर का निमित्त बना लिया है वहां पे, और जानना अपने ज्ञान में होता है ऐसा लिया है। इसमें कहना क्या चाहते हैं कि जानने का काम ज्ञान में ही होता है, और ज्ञान में ज्ञान का जानना होता है, उससे पता चलता है कि स्व कैसा है और पर कैसा है। ये विधि निषेध वाला प्रकरण अपन नहीं करते इसमें, अपन जानना कहाँ होता है और कैसे होता है। तो कि जानना कहाँ होता है तो कि ज्ञान में होता है, किसका होता है तो कि ज्ञान का होता है, क्योंकि जानना ज्ञान का स्वभाव है। जिसका जानना स्वभाव होता है वही जानता है, और उसमें ही जानना होता है, ये यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री सिद्ध करते हैं। ये एक बात है। अभी देखो नीचे आया है, देखो आखिरी से दूसरा पैराग्राफ में है, इंद्रियों के द्वारा सुनने से आत्मा का ज्ञान होता है ऐसा नहीं है। इंद्रियों के द्वारा माने कि आत्मा का ज्ञान नहीं होता है, आंख से देखने का होता है। भगवान को आम भगवान ने आम जोवे एना की आत्मानु ज्ञान थाय एम नहीं, भगवान की तरफ ज्ञान का लक्ष्य जाए
तो उससे भगवान की तरफ लक्ष गया, उससे आत्मा का ज्ञान नहीं होता। ज्ञान का उपयोग भगवान की तरफ चला गया, माने कि सिमंदर भगवान की तरफ चला गया, भगवान की दिव्य ध्वनि की तरफ चला गया, भगवान में ज्ञान की पर्याय में भगवान का जानना हुआ, तो इस तरीके से उसका पर का जानना हुआ, उससे वो ज्ञान की पर्याय में आत्मा का जानना नहीं हो सकता। एक बात, क्योंकि वो बहिर्लक्षी उपयोग हो गया, वो परलक्षी उपयोग हो गया, वो लक्ष्य करके वो भगवान को जानने के लिए वो ज्ञान का उपयोग चला गया, तो उपयोग का लक्ष्य तो उधर चला गया पर के ऊपर। तो पर के ऊपर जो लक्ष्य चला गया वो समय की वो पर्याय में वो भगवान आत्मा का जानना नहीं हो सकता उसमें, क्योंकि वो एक समय में तो उसका लक्ष्य उधर है। तो पर की तरफ लक्ष्य चला गया वो पर्याय में भगवान आत्मा का जानना हो सकता नहीं, क्योंकि वो ज्ञान की पर्याय का लक्ष्य बहिर्मुख हो गया, वो परलक्षी ज्ञान हो गया, वो पर सापेक्ष ज्ञान हो गया, परलक्षी ज्ञान हो गया। तो परलक्षी ज्ञान में भगवान आत्मा का ज्ञान हो सकता नहीं, ये एक बात है। एम भगवान नी वाणी दिव्य ध्वनि सांभळे ए शब्द थी आत्मा नु ज्ञान थाय एम नहीं। भगवान की वाणी सुने और उसके ये कर्णेंद्री में ये शब्द आवे, वो सुन के उसको आत्मा का ज्ञान हो जाए, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो वाणी तो कर्णेंद्री का विषय बन गई, उससे आत्मा का ज्ञान होता नहीं। इसमें आगे पढ़ता हूं मैं, शब्द को शब्द ने सांभळवा टाइम में जो ज्ञान नी पर्याय उठे छे, शब्द को सुनने के समय जो ज्ञान की पर्याय का उत्पाद होता है वो शब्द से नहीं होता। शब्द को सुनने के समय, भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने के समय जो ज्ञान की पर्याय उठती है, जो ज्ञान की पर्याय का उत्पाद होता है वो शब्द से नहीं होता। माने कि शब्द अलग है, वो पुद्गल का परिणाम है, पुद्गल की पर्याय है, और यहाँ जो ज्ञान की पर्याय उठती है वो जीव की पर्याय है, तो दोनों पृथक पृथक है। तो कहते हैं कि शब्द को सुनने के टाइम में जो ज्ञान की पर्याय उठती है वो शब्द से नहीं उठती, अपनी शक्ति से उठती है। माने कि अपनी ज्ञान शक्ति से, अभी अभी जी ले रहे थे कि पर्याय में भी शक्ति है, वो पर्याय में से पर्याय अपनी शक्ति से उत्पन्न होती है, पर्याय अपनी शक्ति से उत्पन्न होती है, उसका कोई उत्पाद नहीं करता, द्रव्य भी उसका उत्पाद नहीं करा सकता। वो पर्याय अपने शक्ति से उठती है, उत्पाद होता है उसका, वो पर्याय अपनी शक्ति से उठती है, फिर भी वो ज्ञान आत्मा का नहीं है। अभी वो पर्याय अपने शक्ति से उठती है, फिर भी वो ज्ञान अपने आत्मा का नहीं है। इस पे ये कहना चाहते हैं कि जो ज्ञान अपनी शक्ति से स्वयं अपने क्षणिक उपादान से उठा है, उसमें भी जब तक पर की सापेक्षता लगती है तब तक वो ज्ञान में भगवान आत्मा जानने में आ सकता नहीं है। किसी भी प्रकार की सापेक्षता कोई भी ज्ञान की पर्याय में भी लग जाए पर की सापेक्षता, तो वो ज्ञान को सचमुच में ज्ञान कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वो ज्ञान पर लक्षी हो गया या तो पर सापेक्ष हो गया। इसीलिए वो ज्ञान में आत्मा का जानना हो सकता नहीं है, ऐसा यहां कहना चाहते हैं कि ज्ञान की पर्याय जो है, ज्ञान लक्षण जो है आत्मा का, वो स्वतः सिद्ध लक्षण है, मगर जब तक वो लक्षण में भी वो उपयोग में भी पर की सापेक्षता लग जाए, पर की सन्मुखता हो जाए, पर की सापेक्षता वाला ज्ञान में परिणमन हो जाए, निमित्त पर है और ज्ञान की पर्याय यहां प्रकट होगी, ऐसी सापेक्षता उसमें लग जाए, तो वो ज्ञान आत्मा को जानने के लिए समर्थ नहीं होता, क्योंकि वो सापेक्ष ज्ञान हो गया, परावलंबी ज्ञान हो गया, पर की सापेक्षता वाला ज्ञान हो गया, इसलिए वो ज्ञान में आत्मा जानने में नहीं आता। वो ज्ञान
अपना क्षणिक उपादान से वह उत्पन्न हुआ है। वो क्षणिक उपादान से उत्पन्न हुआ होने पर भी भोग ज्ञान में जब तक निमित्त की सापेक्षता है तब तक भोग ज्ञान में आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती। देखो उसका और भी यहां मुझे गुरुदेव सिंह ने खुलासा किया है। भगवान की वाणी सांभळे छे ते काळे जे ज्ञानी पर्याय थाय थाय छे ई वाणी थी नहीं इंद्रिय थी नहीं एनी ज्ञानी पर्याय अंदर मां थाय छे। भगवान की वाणी सुन के नहीं होती और इंद्रिय से भी नहीं होती, अंतर में ज्ञान की पर्याय होती है। माने कि अपने द्रव्य गुण पर्याय में, जीव के द्रव्य गुण पर्याय में ज्ञान की पर्याय का उत्पाद होता है ऐसा कहते हैं। फिर भी वो ज्ञान की पर्याय के द्वारा आत्मा जानने में आता है ऐसा नहीं है। अपने ही माने कि अपनी परिधि में ही वो पर्याय उत्पन्न होती है, फिर भी वहां निमित्त सापेक्ष पर्याय हो गई इसलिए वो पर्याय में भी आत्मा का जानना होता नहीं है। देखो दूसरा भी इसमें पॉइंट है। सापेक्ष कौन सा क्या है बोलते हैं दूसरा पहले का आप देखो 23 पेज पर है, 23 का पेज देखो 23 नंबर का, इसमें जवाब है आपका। अहीं कहे छे प्रभु एक बार सांभर, पांच इंद्रियों वाले आत्मा नु जानवु थतु नथी, आ सांभळवाथी आत्मा नु ज्ञान थतु नथी एम कहे छे। आ एम के श्रवण छे तो जड़ भाषा छे, जो सुनना होता है वो तो जड़ का परिणाम है, जड़ भाषा है वो तो, क्योंकि वहां से आवाज निकलता है। यहाँ ये कर्णेन्द्रिय है शरीर परिणाम को प्राप्त, जैसे ये स्पर्श है, ये रस है, ये ग्राण है, ये चक्षु है, ये कर्ण है, ये पांचों इंद्रिया तो शरीर परिणाम को प्राप्त है। तो वहां जो भी शरीर में जो भी कार्य होता है शरीर परिणाम को प्राप्त इंद्रियों में, वो बाहर से कुछ भी शब्द आता है तो वो यहाँ सुनने में आया तो वो सब जड़ का परिणाम है, वो ज्ञान का परिणाम नहीं है। ज्ञान में तो उसी समय जानना होता है, वो जानना वो जीव का परिणाम है, सुनना वो जीव का परिणाम नहीं है, वो तो इंद्रियों का माने कि इंद्रियों का परिणाम चल रहा है। और वो परिणाम के साथ अगर ज्ञान जुड़ गया तो वो ज्ञान को इंद्रिय ज्ञान बोला जाता है। अभी वो ज्ञान जुड़ गया या तो वो ज्ञान अंदर से उत्पाद होके उत्पन्न हुआ और वो सुनने का परिणाम माने कि वहां चला और ज्ञान में जानना ऐसा हुआ कि ये कर्णेन्द्रिय में सुनना हो रहा है ऐसा जानना वहां हुआ एकांत से स्व को जाने बिना, तो वो उससे भी आत्मा जानने में आता नहीं है। क्योंकि जब तक वहां कोई भी सापेक्षता वो ज्ञान को पर की लगती है तब तक स्व का जानना उसमें नहीं होता है। देखो यहां कहते हैं बाद में कि आ सांभळवाथी आत्मानुं ज्ञान थतुं नथी एम कहे छे, केम के श्रवण छे तो जड़ भाषा छे अने ज्ञान थाय छे तो पोतानी पर्यायनी ते जातना क्षयोपशमनी योग्यता छे। क्या कहते हैं, श्रवण तो भाषा है और ज्ञान होता है वो तो अपनी पर्याय की उस समय की वो ज्ञान की क्षयोपशम की तत्समय की योग्यता से वो ज्ञान का परिणाम हुआ है। मगर वो योग्यता जो है, वो जो योग्यता है ज्ञान में संयोग सब ज्ञान में वो जो योग्यता बनी, जो योग्यता वो बनी है अपने से, वो पर के कारण नहीं बनी है वो। मगर ऐसा ही कोई निमित्त नैमित्तिक संबंध बन जाता है, यहां ऐसी ही योग्यता बन के वो ज्ञान माने की उठता है और वहां बाहर में ऐसा ही निमित्त बना होता है, निमित्त के कारण नहीं होता, आत्मा के कारण भी ऐसी योग्यता नहीं बनती। अपनी तत्समय की सत्पने की योग्यता ज्ञान का उत्पाद होने के टाइम परिणाम में बनती है, ऐसी योग्यता द्रव्य में से नहीं आती है, ऐसा निमित्त बाहर में इसलिए वह यहां योग्यता नहीं बनती है, उसको बोला जाता है ज्ञान की पर्याय का सत्पना। वो सत्य स्वभाव है ज्ञान की पर्याय का। अगर ऐसा आत्मा के कारण बनता हो तो ऐसा ही बनता रहे, आत्मा तो नित्य है, ये तो क्षणिक उत्पाद है,
दूसरे समय ऐसा ही उत्पाद होवे ऐसा कोई निश्चित नहीं है, और पर की सत्ता के कारण होता होवे तो पर की सत्ता तो हमेशा है, वहां तो चलता ही रहता है निमित्त बना उसको। इसलिए ये ज्ञान की पर्याय का, एक समय की पर्याय का सत बना है वो। क्षणिक अशुद्ध उपादान भी सत होता है और क्षणिक शुद्ध उपादान भी सत होता है, और सत नियम से निरपेक्ष होता है, उसको किसी की सापेक्षता लागू पड़ती नहीं। मगर वहां जैसी योग्यता बनी, जैसी योग्यता वो वहां बनी वो ज्ञान की पर्याय में, ऐसा ही बाहर में निमित्त बना है तो उसको उस समय की निमित्त सापेक्षता के कारण यहां नैमित्तिक बना भी कहा जाता है। वो निमित्त नैमित्तिक संबंध भी एक ही पर्याय में है, और क्षणिक अशुद्ध उपादान भी वही पर्याय में है। उसको आप देखते हो कैसे उसके ऊपर आधार है, एक ही पर्याय में प्रमाण है, समझो एक ही पर्याय में प्रमाण। तत् समय की योग्यता वो उसकी ज्ञान की पर्याय की क्षणिक अशुद्ध उपादान की स्थिति है, और वही समय में आप निमित सापेक्षता से देखो तो बाह्य में ऐसा ही निमित है और यहां ऐसा ही उत्पाद हुआ है, तो निमित नैमित्तिक संबंध से देखो तो ऐसा भी है, और क्षणिक उपादान से देखो तो उसका सत्पना ऐसा ही है। दोनों जुदा, दोनों बात सत है, कोई असत नहीं है बात। निमित नैमित्तिक संबंध भी उस समय बना है और योग्यता भी उस समय वो पर्याय में ऐसी ही प्रकट उसके अपने से हुई है, किसी से नहीं हुई। उसके सत्कारक उसमें बनते हैं, उसकी योग्यता उसमें है, इसलिए ऐसा बना है। अभी जो क्षणिक उपादान से जो देखने का प्रवृत्ति चालू कर लेता है तो वो क्षणिक उपादान है, क्षणिक उपादान है, तो उपादान से देखने वाले की दृष्टि त्रिकाली उपादान पर चली जाती है, और निमित सापेक्ष निमित नैमित्तिक संबंध देखने वाले को वहां प्रति समय व्यवहार का कार्य ही खड़ा होता रहता है, तो निमित की तरफ ही देखता रहता है। तो यहां ये सिद्ध करते हैं कि योग्यता, मगर वो योग्यता है वो परलक्षी ज्ञान है, बनी है योग्यता अपने से, अपने संकारक से, अपनी उपादानगत योग्यता से, मगर वो भी परलक्षी ज्ञान है। परलक्षी ज्ञान यहां क्यों कहा है, क्योंकि वहां ऐसा ही निमित्त बना है और यहां ऐसा ही ज्ञान का उत्पाद हुआ है, इसलिए ऐसी ही योग्यता बनी है, उसको परलक्षी ज्ञान कहा जाता है। माने कि परलक्षी ज्ञान कहो कि पर की सापेक्षता कहो, ये दोनों में से कोई भी लग जाए तो वो ज्ञान में आत्मा की अनुभूति हो सकती नहीं है। ये ज्ञान, ज्ञान का जो परिणमन है ने, वो ज्ञान का परिणमन आता है तो त्रिकाली द्रव्य में से ही परिणमन होता है, उत्पाद तो है, पर में से उत्पाद पर्याय का नहीं होता, पर्याय में से पर्याय का उत्पाद नहीं होता। पर्याय में से पर्याय का उत्पाद हो, होता होवे ना, ऐसा आवे ना, वो अपादान कारक में आवे कि पर्याय से पर्याय होती है, पर्याय से पर्याय होती है, ऐसा भी आता है। मगर पर्याय का उत्पाद पर्याय में से होता होवे तो पर्याय में अनंत गुण होने चाहिए, क्योंकि अनंत गुण की अनंत पर्याय प्रति समय उठती है। इसीलिए पर्याय का उत्पाद माने कि पर्याय अनंत गुण की अनंत पर्याय प्रति समय होती है, तो पर्याय का उत्पाद नियम से द्रव्य में से होता है। हालांकि वो कथन है पर्यार्थिक नहीं का, गुरुदेव ने लिया है वो ज्ञान गोष्ठी में, वो बात भी आई है, मगर जैसे सिद्ध करना हो कि पर्याय आती कहां से है तो वो नियम से पर्याय तो द्रव्य में से आई, ज्ञान कहां से प्रकट होता है तो ज्ञायक में से ही ज्ञान तो प्रकट होता रहता है। वो अंश किसका है तो बोले अंशी का अंश है, तो वो अंशी का अंश तो ज्ञायक में से आया, मगर वो अंश है वो समझ लो कि जैसा ज्ञायक है ना वैसा ही अंश आता है अंदर से, वो अंदर से अंश आता है, वो कुछ लेके नहीं आता, ये ऐसी परलक्षी योग्यता लेके आया है अंदर से, ऐसा नहीं होता है।
वो तो जब प्रकट होता है तब ऐसी योग्यता वहां तत्समय की क्षणिक उपादान से बन जाती है, ऐसा है। मगर वो ज्ञान जो है, वो ज्ञान जहां से प्रकट होता है वो पारिणामिक भाव में से प्रकट होता है, पारिणामिक भाव में से प्रकट होता है। अभी वो पारिणामिक भाव में से जो ज्ञान प्रकट हुआ, तो पारिणामिक भाव में जो ज्ञान गुण है और अनंत गुणों का पिंड द्रव्य है, वो पारिणामिक भाव में तो भूत की पर्याय का भी ज्ञान है, भविष्य की पर्याय का भी ज्ञान है, वर्तमान पर्याय प्रकट है, वो सब माने कि अंदर में तो भूत भविष्य की पर्याय का ज्ञान पड़ा है ना अंदर, वो तो अंदर पड़ा है, तो वहां से तो ज्ञान की पर्याय उठती है ना, पर्याय तो उठती है द्रव्य में से, पर्याय ना पर्याय में से उठती है ना पर में से आती है। तो वो जो एक समय की पर्याय प्रकट होती है, ज्ञान प्रकट होता है, वो भूतकाल और भविष्यकाल का जो भी सत्व अंदर पारिणामिक भाव में पड़ा है वहां से वो अंश उत्पाद होता है। समझना, अपन सिद्ध थोड़ा दूसरा करते हैं, उसको समझने की प्रयत्न करते हैं, ये सचमुच में क्या हो रहा है। देखो ये योग्यता बनती है ना, वो योग्यता तो क्षणिक उपादान से ही बनती है, ये तो पहली बात है, और वैसा ही निमित्त बाद में होता है। और जो अंश आता है ना, वो अंश तो निरपेक्ष आता है अंदर से, उसमें कोई सापेक्षता नहीं है वहां से, मगर वो अंश उत्पन्न हुआ है वो अंदर पारिणामिक भाव में से उत्पन्न हुआ है, वो पारिणामिक भाव का अंश पारिणामिक में से हुआ है, अंदर अंदर से बाहर आया है वो अंश। तो वो अंश की कितनी कीमत है, जितना अंशी की कीमत है वो स्वभाववान है, और वो स्वभाववान का ही अंश है, तो जितनी अंशी की कीमत है ऐसी ये लक्षण रूप अंश की भी उतनी ही कीमत है, क्योंकि वो उसका ही अंश है। वो अंश होने पर भी वो अंश द्रव्य का अंश है, स्वभाववान का स्वभाव है, और वो स्वभाववान का स्वभाव है वो स्वभाव को ग्रहण कर लेता है। इसमें आया ना कि वो लक्षण से ग्रहण किया जाता है, स्वभाव स्वद्रव्य को ग्रहण करने का लक्षण प्रकट होता है, वो लक्षण से वो द्रव्य प्रकट प्राप्ति होती है वो लक्षण की। तो वो लक्षण ऐसा है कि वो लक्षण अपने लक्ष्य को तो पहले छोड़ता ही नहीं, मगर इसको भ्रमणा चल रही है कि ये अंश ने अंशी को छोड़ दिया है, इसलिए जो पर सापेक्षता भाविंद्री की चल रही है, जो भाविंद्री बन जाती है वो सन्निकर्ष करके भाविंद्री बनती रहती है, वो भाविंद्री में उसका अहम हो जाता है, और वो अहम होने से उपयोग का दुरुपयोग प्रति समय हो जाता है। ये ना क्या है, चीज ऐसी है कि परिणमन तो ज्ञान का ही होता है, परिणमन तो ज्ञान का ही होता है, परिणमन ज्ञान में ज्ञान के सिवा किसी का होता नहीं है। अभी तो ये परलक्षी ज्ञान बन गया, ये योग्यता बन गई, ये विभाव हो गया, ये मिथ्या ज्ञान हो गया, ये भावेंद्री बन गई, ये सब क्यों हो जाता है, प्रति समय क्यों हो जाता है? क्योंकि जैसा उसका परिणमन स्वभाव है ज्ञान का, और जैसा उसका अपरिणामी स्वभाव है त्रिकाली द्रव्य का, उसकी यथार्थ समझ उसको नहीं है। अभी भाई साहब पुरुषार्थ का बोल रहे थे ना, कि वे पुरुषार्थ कुछ भी आप पुरुषार्थ कहो, ऐसा पुरुषार्थ ऐसा पुरुषार्थ, तो कर्तृत्व ही आ जाता है, हो ही जाता है, ऐसा करो, द्रव्य की सन्मुख पर्याय को ले जाओ, पर्याय है तो उसमें द्रव्य हूं ऐसा स्थापना करो, तो सब माने कि करता 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 हो गया। तो माने कि पुरुषार्थ की व्याख्या यथार्थ क्या है, किसे बोले पुरुषार्थ? मैं तो बहुत बार यहां भी बोला है, यथार्थ समझ इज इक्वल टू पुरुषार्थ है, कुछ करना नहीं उसको, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता, कुछ वो कर ही नहीं सकता, वो मात्र समझ कर सकता है यथार्थ,
कि ज्ञायक कैसा है, उसका ज्ञान का परिणाम कैसा है, उसकी योग्यता कैसे बन जाती है, परलक्षी भाव कैसे हो जाता है, निमित्त सापेक्षता कैसे हो जाती है, विभाव का परिणाम कैसे हो जाता है, स्वभाव का अंश बाहर निकलता है तो वो अंश क्या लेके आता है, वो अंश पूरे अंशी को ग्रहण कर ले ऐसी शक्ति लेके वो अंश प्रकट होता है, फिर भी उसकी यथार्थ समझ अंश और अंशी की नहीं होने से वो अंश है वो प्रति समय बहिर्लक्षी हो जाता है। उसको ऐसा ही होता है कि ऐसा निमित्त मिलेगा तो ऐसा ज्ञान होगा, ऐसा निमित्त का लक्ष्य करूंगा तो ऐसा ज्ञान में परिणाम हो जाएगा, ऐसा निमित्त के पास जाऊंगा तो ज्ञान की पर्याय स्वसन्मुख हो जाएगी, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। उसकी समझ के ऊपर पूरा उसका पुरुषार्थ का स्रोत चल रहा है, उसकी जैसी समझ है ऐसा ही पुरुषार्थ काम करता है। उसकी यथार्थ द्रव्य गुण पर्याय की समझ है, द्रव्य माने की चेतन, गुण माने की चैतन्य और माने की चेतना, उसकी चित्त विवर्तन चेतना ज्ञान दर्शन का उपयोग जो भी बोलो इतना ही उसका स्वरूप है। ऐसा स्वरूप नहीं समझता है तो यहां भाव इंद्रिय का जन्म होता है, परलक्षी ज्ञान का जन्म होता है, निमित्त सापेक्षता हो जाती है और निमित्त सापेक्षता के कारण यहां नैमित्तिक परा प्रकट हो जाता है। ये सब ये मात्र लक्ष्य लक्षण को नहीं समझने से होता है, ये पूरे अलिंग्रहण के बोल में लक्ष्य लक्षण की ही चर्चा है, उपयोग उपयोगवान की ही चर्चा है। ये पहला बोल आया कि आत्मा इंद्रियों के द्वारा पर को माने की ग्रहण नहीं करता, उसको जानने के लिए नहीं जा सकता क्योंकि इंद्रिय पृथक है, ज्ञान पृथक है, जानने का काम ज्ञान का है, या तो स्व पर सबको जानना वो काम ज्ञान का है मगर वो ज्ञान ज्ञान में रह के सब जानता है, ये मूल बात है। इसलिए उसको इंद्रियों की माने कि निमित्त की कोई आवश्यकता की अपेक्षा होती ही नहीं, मगर ऐसा है ना कि विभाव ज्ञान चले तो ऐसा कहा जाए कि इंद्रियों का लक्ष्य करके ये ज्ञान ने इसको जाना, मगर उस समय भी जिस समय पर का जानना वो ज्ञान में हुआ है एकांत से, जिस समय पर का जानना एकांत हुआ स्व को छोड़ के, तब भी जानने का काम तो ज्ञान में ही हुआ है, इंद्रिय का तो निमित्त बना है, इसलिए उसको इंद्रिय ज्ञान बोला जाता है। सचमुच में वहां भी जानना तो ज्ञान ही करता है, इंद्रियों तो जड़ है इंद्रियां, उससे तो जानना होता ही नहीं कभी, जानता तो ज्ञान ही है। ऐसी ज्ञान की महिमा अंदर से उसको आनी चाहिए, ऐसे स्वभाव की त्रिकाली द्रव्य की स्वभाववान की तो महिमा आनी चाहिए, मगर उसका ज्ञान का अंश जो है वो अंश की भी अगर उसको महिमा आ जाए तो वो अंश तो अंशी से जुड़ा हुआ ही है, वो अंशी से अलग ही नहीं हुआ कभी, वो हो ही नहीं सकता अलग, लक्षण कभी लक्ष्य से पृथक हो ही नहीं सकता। ऐसा यहां ये अलिंग्रहण का बोल में यही चर्चा चल रही है। और दूसरा बोल जो आया कि इंद्रियों के द्वारा भी आत्मा जानने में आता नहीं, इंद्रियों के द्वारा ज्ञान कुछ जानता भी नहीं और इंद्रिय के द्वारा आत्मा भी जानने में आता नहीं, इसलिए इंद्रियों से कभी जानना होता ही नहीं। जहां 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 जानना चले वो सचमुच ज्ञान से ही होता है, चाहे ये सब यहां जो कहते हैं ना परलक्षी ज्ञान हो गया, ये विभाव ज्ञान हो गया, ये सब चीज ये ज्ञान और ज्ञायक लक्षण और लक्ष्य की समझ नहीं होने से ये सब खड़ा होता है एक समय के लिए, एक समय के लिए परावलंबी ज्ञान प्रकट हो जाता है, उसको बोला जाता है परलक्षी ज्ञान, उसकी योग्यता हो गई। परलक्षी ज्ञान में एकाकार रहे वो दृष्टि मिथ्यात्व है। देखो यहां अभी श्रद्धा की बात आ गई, पहले सब बात चलती थी ज्ञान का परिणाम, अभी यहां पूज्य गुरुदेव श्री ने उसमें दृष्टि की बात डाल दी कि तेरी दृष्टि कहां है, तेरी दृष्टि क्या काम करती है, तेरा अभिप्राय क्या काम करता है, तुझे किसका विश्वास चलता है, तेरा अभिप्राय में क्या पड़ा है, तेरा अभिप्राय में ऐसा है कि ये परलक्षी ज्ञान है वो ज्ञान मेरा है ऐसा तेरा अभिप्राय है,
कि ये पर का लक्ष्य करने वाला ज्ञान है वो मेरा है ऐसा तेरा अभिप्राय है, तो उसी का नाम ही मिथ्यात्व है। क्योंकि ज्ञान कभी स्व को छोड़ता नहीं, ज्ञान ने कभी पर का लक्ष्य सचमुच में किया ही नहीं है। उसकी मान्यता में ऐसा हो गया कि ये परलक्षी ज्ञान हो गया है, ये विभाग ज्ञान हो गया है, ज्ञान लक्षण अपने ज्ञायक को कभी छोड़ता ही नहीं। ऐसी दृष्टि जब तक ज्ञान और ज्ञायक की तरफ वाली दृष्टि नहीं बनती तब तक उसको ज्ञान परलक्षी ही दिखता है। इसलिए वो दृष्टि परलक्षी भाव पर चली गई ऐसा कहने में यहाँ आता है, उसका नाम मिथ्यात्व है। उसका अभिप्राय में ये नहीं चलता है कि जानना ज्ञान से होता है, उसका अभिप्राय में ये चलता है कि ये परलक्षी ज्ञान हो गया, पर के लक्ष्य से जानना होता है, परलक्षी ज्ञान से मेरा जानना होता है, ऐसा उसका अभिप्राय हो गया। इसलिए वो अभिप्राय वाली दृष्टि को मिथ्या दृष्टि कहा जाता है। यहाँ ये सिद्ध करते हैं इंद्रियों थी तत्व ज्ञान तेना थी पण ते जणाय तेओ नथी। पूज्य गुरुदेव श्री बोलते हैं कि बहुत अच्छा अधिकार है, देखो ये अधिकार बहुत अच्छा है ऐसा बोलते हैं। ये पूरा ज्ञान की समझ का ये अधिकार है। उसके नीचे देखो भैया, एक भाव आया उसके ऊपर तारे चैतन्य ना तड़नो पत्तो लेवो होय, प्रभु भगवान अंदर बिराजे छे, भोयरामा जेम भगवान बिराजे छे एम पर्यायमा अंदर भगवान बिराजे छे, ए तड़ियानो तड़ लेवो होय तो ज्ञाननी पर्याय थी ते जणाशे। ए स्वद्रव्य ने आश्रय थयेलु ज्ञान तेना थी ते जणाय छे, पर द्रव्य ने आश्रय थयेलु ज्ञान तेना थी नहीं जणाय। ज्ञान की पर्याय से ही सचमुच अपना आत्मा जानने में आता है, परलक्षी विवाह हो गया उससे आत्मा जानने में नहीं आता। अभी 31 गाथा की बात भी यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री करते हैं। एक भाव आव्यो भवि बाजन जो भव्य ने भाग्य ने जो भगवान तारी वाणी निकले छे, भव्यना भाग्यना जोग छे त्यारे वाणी निकले छे, तारे वाणी काढवी छे क्यां, एने तो वाणी निकले छे, आ छता ए वाणी थी जे सांभळवामां आवे ए तो इंद्रिय ज्ञान छे। तो ये इंद्रिय ज्ञान का विषय जो 31वीं गाथा में आया है ना, द्रव्य इंद्री भावेंद्री और भावेंद्री का विषय, वो सबको इंद्रिय ज्ञान में डाला है। और उससे जुदा जो अतिंद्रिय ज्ञान है वो अतिंद्रिय ज्ञान से आत्मा जानने में आता है। तो बात तो यही कहनी है कि द्रव्य इंद्री माने ये, भाव इंद्री माने जो द्रव्य इंद्री से अपना भाव जुड़ जाए, ज्ञान जुड़ जाए तो भाव इंद्री बन जाती है और वो उसका विषय भी, और जो उसका विषय बन जाता है। तो ये कहते हैं कि समय सार की 31वीं गाथा में कहा है कि जे इंद्रिय जीणिता, एटले आहा इंद्रिय एटले भाव इंद्री, द्रव्य इंद्री अने इंद्री नो विषय वाणी अने भगवान, ए इंद्री नो विषय छे, ए बधाने इंद्री कीधी। देखो द्रव्य इंद्री भाव इंद्री और भाव इंद्री का विषय बार कोई भी विषय हो, माने कि भगवान हो, भगवान की दिव्य ध्वनि छुट्टी हो, मगर एक ही बात है कि अपनी पर्याय आत्मा से च्युत हो गई, आत्मा से च्युत हो गई, फिर वो कहां गई उससे कुछ मतलब ही नहीं है। वो यहां से च्युत हो गई तो बाह्य में किधर भी गई हो मगर वो अज्ञान हो गया, परलक्षी ज्ञान हो गया, वो भाविंद्री हो गई। वो कहीं भी जाए, माने कि सुख में जाए कि असुख में जाए कि कहीं भी जाए, मगर यहां से च्युत हो गई, उसी का नाम उसका अज्ञान शुरू हो गया। ज्ञानी अज्ञानी की बात में फर्क है। ज्ञानी का तो माने कि उसकी परिणति तो चलती रहती है मगर उपयोग बार जाता है, मगर यहाँ अज्ञानी की चर्चा चलती है कि उसका ज्ञान च्युत हो गया ज्ञायक से, और वो ज्ञान कहाँ गया, कि भगवान की वाणी को सुनने के लिए गया कि और दूसरी जगह कहीं गया, सुख में गया कि असुख में गया, मगर वो कहीं भी जाए यहां से च्युत हो गया तो उसका नाम ही सचमुच में अज्ञान है। तो इंद्री भाव इंद्री द्रव्य इंद्री और इंद्री का विषय वाणी और भगवान, ये इंद्री का विषय है, ये सबको इंद्रिय कहा है। उसके बाद का पेज निकालना भैया 24 दूसरा पैराग्राफ है इसमें।
ज्ञान स्वभाव थी परथी अधिक नाम जुदो अने पूरो ते राण सवा राण सहावादियम एम शब्द छे 31मी गाथा मूल पाठ आ छे ज्ञान स्वभाव वादी परथी जुदो अने पूरो छे एने ज्ञान स्वभाव थी अधिक कहेवामां आवे छे आहा परथी तो जुदो पर इंद्रिय कीधी पण आ तो भाविंद्री थी पण जुदो छे भाविंद्री मां जे जणातु छे एना थी पण जुदो व्याख्या तो आ छे सत्य नो पोकार आ छे भाव इंद्री तो क्या है खंड खंड होके एक एक विषय को जानने में प्रवृत्तिशील रहती है माने कि चक्षु द्वारा जानती है तो दूसरी इंद्री है उसके द्वारा वो नहीं जान सकती एक समय में एक ही इंद्री से भाव इंद्री का जानने का काम चलता है इसलिए वो विभाव है और अतिंद्रिय ज्ञान ऐसा होता है कि वो अतिंद्रिय ज्ञान से जब आत्मा को जानने में आ जाए तब अतिंद्रिय ज्ञान प्रकट हो जाता है तो वो अतिंद्रिय ज्ञान में पूरा जानना हो जाता है इसलिए इंद्रिय ज्ञान में भाविंद्री में क्या होता है कि एक इंद्री से ही जानना होता है इसलिए दूसरा जानना अधूरा रह जाता है और अतिंद्रिय ज्ञान अपने को आत्मा को जानता है और अपना आत्मा को जानने के समय उसको पूरा जानना हो जाता है इसलिए उसको विषय का कोई प्रतिबंध नहीं रहता उसमें पूरा जानना हो जाता है इसलिए इच्छा नया नया जानने की प्रकट नहीं होती उसकी और भाव इंद्री से जो जानना होता है तो एक इंद्री द्वारा एक ही विषय को जानना होता है इसलिए दूसरा जानना बाकी रह जाता है इसलिए वो भाव इंद्री परलक्षी ज्ञान से माने कि वास्तव में पूरा जानना होता नहीं है अतिंद्रिय ज्ञान से ही वास्तव में जानना परिपूर्ण होता है इसलिए अतिंद्रिय ज्ञान वास्तव में स्व और पर को यथार्थ रूप से जानता है भाविंद्री वास्तव में पर को भी यथार्थ रूप से नहीं जान सकती है क्योंकि उसमें विषय उसको पूरा मिलता ही नहीं है वो एक इंद्री द्वारा एक विषय को जानती है तो दूसरी इंद्री का जानना रह जाता है तीसरी इंद्री वाला जानना रह जाता है इसलिए अतिंद्रिय ज्ञान ऐसा है कि वो अपने स्वभाव को जानता है इसलिए स्व और पर को परिपूर्ण रूप से उसमें जानना हो जाता है इसलिए ज्ञान से ही आत्मा का जानना होता है कोई भाव इंद्री से कि कोई इंद्रियों से आत्मा का जानना हो सकता नहीं है इसलिए द्रव्य इंद्री भाव इंद्री और भाव इंद्री का विषय से प्रथक जो अपना ज्ञान स्वभावी आत्मा है अधिक जो अपना ज्ञान स्वभावी आत्मा है वो ज्ञान स्वभावी आत्मा उसका लक्षण से ही उसकी पहचान हो सकती है और कोई चीज से उसकी पहचान हो सकती नहीं है और उसका लक्षण उसके पास मौजूद है लक्ष्य भी उसके पास मौजूद है इसलिए उसमें उसको सरलता से जानने में आ सकता है उसको कहीं से कुछ लेना नहीं है उसको कोई उसमें पराधीनता नहीं है वो स्वाधीनता है क्योंकि ज्ञायक भाव भी मेरे पास है ज्ञान लक्षण का उत्पाद भी मेरे पास है और वो लक्षण ऐसा है कि वो लक्षण में स्वपर प्रकाश सकता है वो स्वपर प्रकाश सकता होने से उसमें स्व का भी ज्ञान होता है और पर संबंधी अपना ज्ञान भी होता है इसलिए स्व का ज्ञान भी होता है तो वो जहां से ज्ञान निकलता है वही ज्ञान में वो जानने में आ रहा है ऐसा जब अभिप्राय उसका बन जाता है तो नियम से उसको अतिंद्रिय ज्ञान की प्रगटता हो जाती है और वो अतिंद्रिय ज्ञान से जब आत्मा का जानना होता है तो स्व पर की यथार्थता वही अतिंद्रिय ज्ञान में उसको मालूम पड़ जाती है इसलिए इंद्रियों से ना तो आत्मा जानता है ना तो इंद्रियों से आत्मा जानने में आता है इंद्रिय ज्ञान से भी नहीं पर को सचमुच पे जाना जाता इंद्रिय ज्ञान से भी नहीं सचमुच स्व को जाना जाता सबको जानने के लिए ज्ञान ही साधन है और वो ज्ञान भी जब अपने आत्मा के लक्ष्य करके अतिंद्रिय बनता है तब ही उसमें वास्तविक स्व और पर का जानना यथार्थ रूप से होता है उसको ऐसा कहा जाता है कि ये जीव ने अपने ज्ञान से अपने आत्मा को जान लिया और उसको स्व संवेदन ज्ञान प्रकट हो गया और भाव इंद्री द्रव्य इंद्री और उसका विषय से प्रथम जो ज्ञान था वो ज्ञान से आत्मा को जाना तब उसको अतिंद्रिय ज्ञान का जन्म हुआ तब अतिंद्रिय ज्ञान में स्वपर का जानना यथार्थ हो गया ऐसा यहाँ ये पहला और दूसरा बोल में कहना चाहते हैं दो तीन मिनट में अपन पूरा करते हैं इसको पढ़ के
भगवान तू इंद्रियों से सांबर इंद्रियों थी सांबरवा की तरह तारु ज्ञान था है एवो तू नथी अने सांबरवा की ज्ञान थयू ए पण पोता थी थयू वाणी तो निमित्त छे ए पोता थी ज्ञान थयू एना थी पण तू जणाय एवो नथी। ये पहले भी आ गया है बार-बार पूज्य गुरुदेव श्री इसको लेते हैं कि अपने से जो ज्ञान हुआ मगर अपने से जो ज्ञान हुआ उसपे भी जो निमित्त सापेक्षता होती है इंद्रियों से जो सुनने का ज्ञान हुआ ऐसी कोई भी निमित्त की सापेक्षता वो ज्ञान में लगी तो वो ज्ञान से आत्मा का जानना हो सकता नहीं है। जो ज्ञान अंदर में से आता है वही ज्ञान माने कि मैं ज्ञान मात्र हूं ऐसा ही उत्पाद उसका हो जाए तो वही उत्पाद से अपने आत्मा का जानना हो जाता है। जो ज्ञान प्रकट हुआ और प्रकट होके उसको सापेक्षता किसी की बाह्य की लग गई तो वो ज्ञान अपने से प्रकट हुआ होने पर भी वो ज्ञान में आत्मा का जानना हो सकता नहीं है क्योंकि एक समय में ज्ञान का उत्पाद होता है वो उत्पाद में कोई भी निमित्त की सापेक्षता लग गई तो वो ज्ञान तो वही लक्ष्य हो गया। अभी दूसरे समय नया ज्ञान है तीसरे समय नया ज्ञान है चौथे समय नया ज्ञान है नया ज्ञान अपने से प्रकट होता है और निमित्त की सापेक्षता जब तक उसमें लगती रहती है तब वो ज्ञान से आत्मा का जानना नहीं होता। अभी वो ज्ञान उसको पता चल गया कि ये तो मेरा ज्ञान आता है अंदर से और लग जाती है इसमें निमित्त की सापेक्षता तो ज्ञान पराधीन हो जाता है तब उसको मालूम पड़ता है कि अंदर में से ज्ञान आता है वो तो ज्ञान स्वभावी आत्मा है ऐसा अभिप्राय उसका बन जाता है तो उसका उत्पाद ही स्वसम्मुख होकर हो जाता है उसका नाम अतीन्द्रिय ज्ञान कहा जाता है। ग्राहक ज्ञायक एवं जेने एटले आत्मा लिंगो वड़े એટલે કે ઇન્દ્રિયો વડે ગ્રહણ જાણવું થતું નથી આહા ભગવાન આત્માને ઇન્દ્રિયો વડે જાણવું થતું નથી ઇન્દ્રિયો વડે જે જાણવું થાય તે આત્મા નહીં આવી વાતું છે સમજાય છે કાઈ તે અલિંગ ગ્રહણ છે ઇન્દ્રિયો ઇન્દ્રિયના નિમિત્તો અને ઇન્દ્રિયથી થયેલું જ્ઞાન એ બધાથી ભગવાન જણાય એવો નથી તેથી તે અલિંગ ગ્રહણ છે એથી તે લિંગથી જણાય એવો નથી લિંગ એટલે કે ઇન્દ્રિયો ઇન્દ્રિયનો વિષય અને ભાવિન્દ્રિય એ ત્રણેથી ન જણાય એવો એ આત્મા છે આહા સમજાણું કાઈ અને કે યહાં લિંગ ઇન્દ્રિય ઇન્દ્રિકા વિષય ઓર ભાવિન્દ્રિય વો તીનો કો લિંગ મે ડાલ દિયા વો બાહ્ય લિંગ હે અપના લિંગ જો અંતર કા હે વો અલિંગ ગ્રહણ જ્ઞાયક ભાવ હે ઓર ઉસકા જો લિંગ હે ઉસકા જો સાધન હે વો જ્ઞાન ઉસકા સાધન હે વો જ્ઞાન લિંગ સે અપના જ્ઞાયક અનુભવ મે આ સકતા હે। આ રીતે આત્મા અતિન્દ્રિય જ્ઞાનમય છે આહા ભગવાન તો અતિન્દ્રિય જ્ઞાન પર્યાયમય છે એ અતિન્દ્રિય જ્ઞાનની પર્યાય થાય તેનાથી જણાય એવો છે એવા અર્થની અલિંગ્રહણમાં આવો અર્થ નીકળે છે। અમૃતચંદ્ર આચાર્ય કહે છે ઉંકુલ આચાર્યના અલિંગ્રહણ શબ્દમાં પહેલો બોલ આવો નીકળે છે। પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી યહાં એ પ્રવચન અપને સબે સુનાતા સબરે ઉસી કાયે પૂરા માને કે ઇસમે વિશ્લેષણ આ રહ્યા હે અભી કલ દૂસરા પ્રવચન ચલેગા उसके ऊपर भी चर्चा आगे बढ़ जाएगी।